तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट आकाश में। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है जीमेल अकाउंट डिलीट करना सिखाऊंगा। गाइस हम क्या होता है, हम किसी ज़रूरत से अपने जीमेल अकाउंट बना लेते हैं एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से वो हमें बाद में डिलीट करना पड़ता है, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि जीमेल आईडी हम कैसे जो है डिलीट कर सकते हैं। या दोस्तों इसका स्टेप बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं लगा हो तो मत कीजिए, मेरा यही कहना है बस। तो अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपना जो है जीमेल एप्लीकेशन खोलना होगा यहाँ पे। तो चलिए मैंने जीमेल एप्लीकेशन खोल लिया। अब मैं अपने जो है लोगो जीमेल के लोगो पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी 3 जीमेल आईडी इसमें लॉगिन है। तो सबसे पहले आकाश कुमार नाम की एक जीमेल आईडी दिख रही है, तो वो यहाँ पे लॉगिन कर लेनी है, अगर नहीं है तो कर लेनी है। उसके बाद में आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट इस पर क्लिक करना है, क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। अब आपको करना क्या है, एक पर्सनल इन्फो दिख रहा है और दूसरा डाटा एंड पर्सनलाइजेशन दिख रहा है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है, डाटा एंड पर्सनलाइजेशन पे। तो इस पर क्लिक कर लेना है आपको। फिर आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल करना है, धीरे धीरे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डिलीट ए सर्विस और योर अकाउंट। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको करना क्या है, ये डिलीट योर अकाउंट, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर वेटिंग करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है जीमेल आईडी का वो यहाँ पे मांग रहा है। तो चलिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ अपने यहाँ पे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे जो है अपना पासवर्ड डाल दिया है। तो अब आपको करना क्या है, ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली इस पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है आपको। तो कुछ देर वेट करना होगा आपको। तो चलिए मैं वेट करने के बाद में यहाँ पे अब आ गया डिलीट योर गूगल अकाउंट। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखा रहा है आपका जो यूट्यूब चैनल है वो भी डिलीट हो जाएगा, और गूगल फोटो सारे सारा कुछ यहाँ पे टाटा डिलीट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे यस आई वॉन्ट टू, और सिंपली इन दोनों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको डिलीट अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद में आपको एक ब्राउज़र चुनने को कह रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ और जस्ट वन पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा स्टेप और हमारा, अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे अब आपको दिख रहा है योर गूगल अकाउंट एंड ऑल दिस डाटा हैव बीन डिलीटेड, मतलब आपकी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पे डिलीट हो चुकी है, और जिसमें उस जीमेल आईडी में जितना भी डाटा था वो भी यहाँ पे डिलीट हो गया। तो ये हमें यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस यही बताने वाला था मैं, और आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे वीडियो में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बहुत सारी मैं ऐसी टेक्नोलॉजी की वीडियो बनाता हूँ और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।